हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूँ दोस्तों। दिवस पूरे 12 महीने के ही तारीखों के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि आगामी कंपटीशन के एग्ज़ामों में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एक से दो दिवस ना पूछे जाते हों। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और ऐसी आशा है कि ये पूरा टॉपिक आपका इस बार कंप्लीट ही हो जाएगा। तो दोस्तों, जनवरी मास से हम शुरू करते हैं। तो जनवरी मास में 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जानते हैं सभी लोग, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत में मनाया जाता है। इसके बाद में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी इसी डेट को मनाया जाता है। तो एक बार दोस्तों आप रिवीजन और कर लें। 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 12 फरवरी को वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 फरवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले मंथ में, फरवरी माह के देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेज फरवरी माह में सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 फरवरी को, समझ रहे हैं आप। अगला है विश्व मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 तारीख को। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 तारीख को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। तो एक बार, कैंसर दिवस 4 फरवरी, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अगला दोस्तों मार्च महीने के देख लेते हैं। मार्च महीने में यदि आप देखें तो 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस बिहार के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व मौसम दिवस 22 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। तो मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज याद करें आप लोग, मार्च महीने के हैं 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है,
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। आगे अप्रैल महीने के मुख्य दिवस देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। आगे दोस्तों मई महीने के अगर यदि हम देखें तो मई में 1 मई को मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इसके बाद 7 मई को विश्व अस्मिता दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसके आगे 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 मई को। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 मई को। 21 मई को आतंकवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे दोस्तों जून माह के देख लेते हैं हम। जून माह का पहला 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मोस्ट है, बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महामारी दिवस के रूप विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे जुलाई महीने के देख लेते हैं। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के रूप में या जीएसटी दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे अगस्त महीने के देख लेते हैं दोस्तों। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मदिन पर और राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को।
माह के देखते हैं दोस्तों, सितंबर माह में शिक्षक दिवस 5 तारीख को, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 28 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अक्टूबर महीने के, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और आगे बढ़ते हैं विश्व मानक दिवस। मानक दिवस मनाया जाता है दोस्तों विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। इसके बाद विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस 31 अक्टूबर को। आगे अगला नवंबर महीने के देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। बालक दिवस, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। और 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और 26 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। आगे हैं दोस्तों दिसंबर महीने के, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये ज्यादा मोस्ट है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। और भारतीय नौसेना दिवस 5 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस 11 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। और जो नए जुड़े हैं वो देख लेना आप लोग, ये नया जुड़ा है 25 दिसंबर को विश्व सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख भेजें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।